गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक फिजिक्स क्लासेस। टॉपिक रहेगा वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज वेलोसिटी, ठीक है। देन हमारे पास टॉपिक होगा टाइप्स क्या है इसके, ठीक है भाई। देन हमारे पास इसके बाद रहेगा पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बनेंगे भाई रिलेटिव स्पीड, ठीक है, रिलेटिव स्पीड और इनके भी पोजीशन टाइम ग्राफ्स एंड पोजीशन टाइम ग्राफ। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक भाई विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है भाई। तो सबसे पहले वेलोसिटी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वेलोसिटी का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस आप लोगों ने पढ़ा था और डिस्प्लेसमेंट आप लोगों ने पढ़ा था। तो डिस्टेंस क्या था, एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल किया जाता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। तो भाई डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो हमने बताया उसके डिवाइड बाय टाइम किया जाए, उसके डिवाइड किया गया है टाइम, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, वेलोसिटी, क्लियर है भाई। अब एक बात सुनो, इसकी यूनिट क्या बनेगी भाई, बताओ। यूनिट बनेगी इसकी डिस्प्लेसमेंट की मीटर, टाइम की सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड बन जाएगी यूनिट हमारे पास, ठीक है भाई। ये हमारे पास में क्या है, एसआई यूनिट, क्या हमारे पास में एसआई यूनिट, ठीक है भाई। और सीरीज यूनिट क्या होगी बताओ, मीटर इज का सेंटीमीटर हो जाएगी और सेकेंड एज इट इज रहेगा, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया भाई, क्लियर यहां तक, कोई इशू नहीं इस तक। अब इसके बाद इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा LT-1, LT-1 क्यों, डिस्प्लेसमेंट के लिए, टाइम के लिए t, तो LT-1 बन जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, क्लियर है, कोई इशू नहीं आता। अब वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है भाई। वेक्टर क्वांटिटी कैसे पता चला कि वेक्टर क्वांटिटी है, एक चीज सुनो, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, और एक वेक्टर क्वांटिटी को अगर स्केलर क्वांटिटी टाइम से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगा, दैट मींस वी कैन से वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, कोई तकलीफ नहीं आता भाई, पक्का है, डन। हम भाई नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसका भाई, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी के टाइप्स क्या है, पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या समझते हो आप भाई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती हो, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती हो, डिस्प्लेसमेंट हो, इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती हो इक्वल टाइम के अंदर, तो उसको नाम दिया जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज सेड टू बी हैविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकेंड हमारे पास में भाई नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो, अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो, तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या नाम दिया जाएगा भाई, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्लियर है यहां तक। हाँ, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट भाई, थर्ड हमारे पास में है एवरेज वेलोसिटी।
एवरेज वेलोसिटी क्या होता है भाई? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम किसका फॉर्मूला बन जाएगा भाई? एवरेज वेलोसिटी का रिलेटिव स्पीड क्या है? रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या समझते हैं? रिलेटिव स्पीड का मतलब है किसी भी एक ऑब्जेक्ट की स्पीड किसी और के रिस्पेक्ट में कितनी है। जैसे कि मान लिया हम कहते हैं ना कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, बोलते ना कि 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इसका मतलब क्या समझते हो? इसका मतलब यह है कि वो 40 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है ना, उस व्हीकल की रोड के रिस्पेक्ट में स्पीड है। वो किसके रिस्पेक्ट में है? रोड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि रोड रेस्ट फॉर्म में था, स्पीड ऑफ कार कितनी थी? 40 थी, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट ऑफ रोड इज 40 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम जनरली बोल देते हैं कि कार जो है 40 की स्पीड चल रही है। तो रिलेटिव स्पीड का मतलब है, रिलेटिव मतलब संबंधी, संबंधी मतलब समझते हो ना, मामा चाचा ताऊ, तो कोई तो रिलेशन होगा उनके बीच में। इसका मतलब रिलेशन यहां पे क्या है? किसी एक की स्पीड दूसरे के रिस्पेक्ट में कितनी होगी। अगर कोई रिलेशन ही नहीं होगी बीच में तो रिलेटिव वेलोसिटी कुछ निकलेगी नहीं। बात समझ में आई? जैसे कि मान लिया अगर मैं कहूं कोई रिश्तेदारी ही नहीं है उसके साथ, तो क्या रिलेशन निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। जब मान लिया कोई भी ऑब्जेक्ट हम एक दूसरे के क्लोज देखते हैं, उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं कि कितनी स्पीड से वो ट्रेवल कर रही है, तो क्या कहलाएगी? रिलेटिव वेलोसिटी। क्या कहलाएगी भाई? रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे कि बात करें कि भाई एक कार है, उसकी स्पीड है VA, कितनी स्पीड है? VA, ठीक हो गया भाई। दूसरी कार है जिसकी स्पीड है VB, कितनी है? VB। अब एक बात सुनो ध्यान से, क्या चीज भाई? अगर मैं आपसे कहूं दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, सेम प्लेन में मूव कर रही है, इसका मतलब व्हेन एंगल बिटवीन देयर मोशन इज जीरो, एंगल कितना भाई? जीरो, ठीक हो गया। उस केस में जो रिलेटिव स्पीड होगी हमारे पास में, वो क्या होगी और किसकी किसके रिस्पेक्ट में? मैं आपसे कहता हूं रिलेटिव स्पीड ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हमारे पास किसके बराबर होगा भाई? बताओ किसके बराबर होगा? वी ए भी हमारे पास बराबर आ जाएगा। मान लिया मेरे पास ये वी ए है, ठीक है, मैंने क्या किया इसमें से बीबी को माइनस कर दिया और इसमें से भी माइनस कर दिया बीबी को, ठीक है। ये बीबी से बीबी क्या हो जाएगा हमारे पास में? कैंसल आउट। बीबी से बीबी क्या हो जाएगा? कैंसल आउट, और हमारे पास क्या बचेगा? वी ए माइनस का बीबी। दिस इज आवर रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट ऑफ बी, ए विद रिस्पेक्ट ऑफ बी, ठीक है। अगर मान लिया ए की रिलेटिव स्पीड निकालनी है आपको, बी के रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो ए की स्पीड माइनस का बी की स्पीड करेंगे, और बी की अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती ए के रिस्पेक्ट में, तो फिर क्या करते? बी की स्पीड माइनस ए की स्पीड कर देंगे, ठीक है भाई। ये हमारे पास है भाई जो बी है, ये सिंबल है किसी का? वेलोसिटी का, क्लियर है। अब बात करते हैं अगर मान लिया ये सेम डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन क्या हो जाएगी? माइनस। अगर मान लिया एक चीज, आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है क्या चीज कि मान लिया भाई आप किसी भी क्रम में या कार में बैठे हो और जा रहे हो, ठीक है, साथ में दूसरी कार वाला आपके साथ साथ चल रहा है सेम डायरेक्शन में, तो आप जब अपनी खिड़की में से, अपनी कार में से जहां बैठे थे उसमें से खिड़की में से दूसरे की कार की स्पीड को ऑब्जर्व करोगे, तो आपको स्पीड जो है कम लगेगी। वाई? क्यों कम लगती भाई? उसके पीछे रीजन है रिलेटिव मोशन, रिलेटिव स्पीड, बिकॉज बोथ आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, दैट्स वाई क्या होगा? उनकी स्पीड जो आपको कम लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि आपकी कार की स्पीड माइनस उसकी स्पीड हो जाएगी, तब उनके पास में क्या होगा? रिलेटिव स्पीड आएगी, क्लियर है। लेकिन एक खास पॉइंट बताऊंगा इस टॉपिक के जस्ट बाद, और एक और चीज आपको बताऊंगा, अगर ओपोजिट डायरेक्शन मोशन होता
अगर क्या होता, ओपोजिट डायरेक्शन मोशन। तो ओपोजिट डायरेक्शन में अगर रिलेटिव स्पीड निकालते हैं तो प्लस हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल याद करो कि वे कार में आप चल रहे थे और कार दूसरी उसके पीछे जा रही है, ओपोजिट डायरेक्शन जा रही है। तो ओपोजिट अगर डायरेक्शन में जा रही है तो इसका मीनिंग क्या समझते हो आप? देखो ये सब जा रही है, ये सब जा रही है, तो ओपोजिट डायरेक्शन में जब भी आप कार में ट्रेवल कर रहे होगे तो हमेशा आपको ऐसा फील होगा कि वो घूमते तो गाने का भाई, वो कार वाला जब होते हैं तो बता लेगा। इसका मतलब क्या है? ऐसा थोड़ी ही बता लेगा वो तेज, वो हमें अपीयर होती है रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड। वो अपीयर होती है हमें, क्यों अपीयर होती है हमें ज्यादा? क्योंकि हमारे पास ओपोजिट डायरेक्शन में स्पीड रिलेटिव स्पीड के केस में प्लस हो जाती है। जैसे कि मान लिया बात करें यहां पर हम, ये तो क्या ओपोजिट डायरेक्शन मेरे पास भाई, जो ओपोजिट डायरेक्शन थी, अगर मैं यहां पर बात करूं ए कार जो है इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, बी कार इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, बी की स्पीड से, ठीक हो गया। अब मान लिया मुझे ए की रिलेटिव स्पीड निकालनी थी बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बी ए में से माइनस करेंगे बी बी, तो माइनस ऑफ, अब पहले ही ओपोजिट डायरेक्शन मोशन है तो क्या होगा, माइनस आएगा, तो माइनस ऑफ बी बी, माइनस ऑफ बी बी, और यहां क्या बन जाएगा, सिर्फ अकेला बी बी होगा माइनस, ये वाला जीरो हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगी v ऑफ a विद रिस्पेक्ट ऑफ b, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी va प्लस ऑफ vb, ये हमारे पास आ गया भाई रिलेटिव स्पीड की वैल्यू, क्लियर है। तो इसका मतलब ओपोजिट डायरेक्शन हमारे पास में क्या हो जाएगी, प्लस, मतलब जैसे मान लिया a की b के रिस्पेक्ट में करनी है ना, तो a में से b माइनस कर दिया मेरे भाई, और b की स्पीड निकालनी है a के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, b की स्पीड माइनस a की स्पीड होगा, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। अब मान लिया मैं कहता हूं एक कार जो है, एक कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और सेम डायरेक्शन में चल रही है ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये ए थी ये बी थी, मैं अगर आपसे पूछूं ए की रिलेटिव स्पीड बताओ बी के रिस्पेक्ट में, तो आपका आंसर क्या होगा, बताओ आपका आंसर क्या होगा, 40 माइनस 20, और इस बात का मतलब क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट ऑफ बी, विद रिस्पेक्ट ऑफ बी, ठीक हो गया। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो 40 किलोमीटर पर आवर माइनस 20 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक हो गया भाई, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अगर यही ओपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते, अगर ये 40 किलोमीटर पर आवर होती, ठीक है, और ये होती 20 किलोमीटर पर आवर, तो अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट ऑफ बी, अब क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट ऑफ बी हमारे पास कितना बन जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा हमारे पास, 40 प्लस का 20 मतलब 60 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या बन जाएगा, रिलेटिव स्पीड का आंसर। बात समझ में आ गई इस बी को, पक्का है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक की भाई, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ करेंगे, ठीक है, क्या पोजीशन टाइम ग्राफ है? सबसे पहला अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, किसके लिए भाई, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है भाई, पोजीशन टाइम ग्राफ अगर बात करें इसके लिए भाई, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ऐसा क्यों? क्योंकि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक हो गया, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक हो गया भाई, इक्वल टाइम था और इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो ग्राफ हमारे पास बन जाएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक हो गया। अब बात करते हैं भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होगा भाई, पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्स इज पोजीशन एंड इज टाइम, ग्राफ हमारे पास यूनिफॉर्म में क्या होगा, बन सकता है, हमें क्या पता भाई कितनी उसकी डिस्टेंस ट्रेवल थी, बात समझ में आई, तो बताई नहीं कुछ भी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बन गया हमारे पास में। अगर बात करें यूनिफॉर्म मोशन है, कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, और जो हमारे पास इनिशियल पोजीशन थी वो जीरो नहीं थी, इनिशियल पोजीशन क्या थी, जीरो नहीं थी, इट मींस इनिशियल पोजीशन इज सम पॉजिटिव पोजीशन, सम पॉजिटिव पोजीशन, तो पॉजिटिव अगर पोजीशन होगी तो स्टार्टिंग ज्ञान नहीं थी, जीरो से नहीं थी भाई, इस पॉइंट से थी,
इसके बाद यूनिफॉर्म मोशन है। बात समझ गई? अब एक तरीका क्या है समझने का इसका, एक तो आप समझ लो कि आप हमेशा अपने घर से चलते थे स्कूल के लिए, ठीक हो गया, वो तो हमारे पास हो गया, उसके बाद इक्वल स्पीड से आप ट्रेवल कर रहे हो। लेकिन अगर बाई चांस आप 1 किलोमीटर ऑलरेडी पहले आगे गए हुए थे, ठीक है, तो आप वहीं से निकल जाओगे स्कूल की तरफ, आप वहीं से निकल जाओगे स्कूल की तरफ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका वहां जो है वो कैसा बन जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। उसके लिए उससे जस्ट आगे तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा ये बन जाएगा इस टाइप का, लेकिन स्टार्टिंग कहां से होगी, पॉजिटिव पोजिशन से। क्लियर है? मैं तीनों ग्राफ से बता देता हूं, जब हमारे पास एक्स पॉजिटिव होगा देन ये होगा, एक्स जब स्टार्टिंग जीरो से होगी तो ये लाइन होगी, और एक्स जब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का मतलब हमारे पास ग्राफ बनेगा यहां से, ठीक है। ये अगर पॉइंट क्लियर नहीं है मैं फिर रिपीट कर देता हूं, जब स्टार्टिंग जीरो थी और यूनिफॉर्म मोशन है तो हमारे पास में क्या होगा, ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया, और जब हमारे पास में पहले से ही थोड़ा आगे गए हुए थे आप तो वहीं से आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलोगे, ये लाइन होगी हमारे पास में। और तीसरा, जब आप मान लिया घर से स्कूल की तरफ नहीं हो, जैसे मान लिया देखो सुनो, ये हमारे पास है स्कूल, ठीक है, और ये हमारे पास है घर, तो एक तो यहां से आप यूनिफॉर्म मोशन में हो तो ये बीच वाली लाइन होगी ओरिजिन पॉइंट से, ठीक हो गया। और अगर मान लिया बाय चांस आप जो भाई पहले आगे गए हुए थे और यहां से स्कूल भी नजदीक हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा ऊपर वाला हमारे पास में, ठीक हो गया। अब बात करते हैं अगर आप यहां पे होते घर से पीछे से, तो यहां से अगर ट्रैवल करोगे तो हमारे पास क्या होगा, पहले ओरिजिन पॉइंट पे आना पड़ेगा, देन उसके बाद हमारे पास जो है स्कूल की तरफ आगे फॉरवर्ड कर पाएंगे, और इसका मतलब हमारे पास ये कौन सी होगी, जो नेक्स्ट हमारे पास लाइन थी, ये हमारे पास थी एक्स वन पोजिशन, ये थी एक्स टू पोजिशन इन नेगेटिव। क्लियर है भाई? कोई तकलीफ नहीं। अगर बात करें भाई किस चीज की, भाई नेक्स्ट हमारे पास में ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, बात करें भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ध्यान रहे ग्राफ जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ, ठीक है। ग्राफ के बेस के ऊपर मतलब मान लो कंपटीशन लेवल का कोई भी टेस्ट दोगे तो आप हमेशा कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है, और नीट में तो 2 से 3 क्वेश्चन आते ग्राफ पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ करें और किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए भाई, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है भाई, ये हमारे पास पोजिशन है, हमारे पास में टाइम, ठीक हो गया। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो जीरो टाइम के ऊपर जो वेलोसिटी थी उसकी उतनी वेलोसिटी नेक्स्ट टाइम पे होगी, उतनी वेलोसिटी पर नेक्स्ट टाइम पे होगी, तो हमारे पास वेलोसिटी सेम रहेगी, तो हमारे पास बन जाएगा ये ग्राफ, ठीक हो गया। अगर मैं आपसे कहता हूं पोजिशन टाइम ग्राफ, पोजिशन टाइम ग्राफ फॉर रेस्ट, रेस्ट के लिए अगर बात करें पोजिशन टाइम ग्राफ, इसका मतलब क्या है, जीरो टाइम के ऊपर जो पोजिशन थी वही पोजिशन नेक्स्ट टाइम पर रहेगी, वही पोजिशन पर नेक्स्ट टाइम पर रहेगी, ग्राफ आ जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक हो गया भाई।